दान का विशेष महत्व बताया। जैसे मैंने कहा है कि आज के दिन किया गया दान आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति करवाता है, तो आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को बीज युक्त कुष्मांड यानी काशीफल, सीताफल, कद्दू भी जिसे कहते हैं, बीज युक्त जो फल होता है दान करने पर, उस फल में जितने बीज होते हैं उतने ही साल तक दानदाताओं को स्वर्ग में रहने की जगह मिलती है, इतना पुण्य बताया गया है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी अक्षय नवमी कहलाती है। आज के दिन स्नान करने से, पूजन करने से, पितरों के नाम तर्पण करने से, अन्न इत्यादि के दान करने से, गौ माता की सेवा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों को सोने चांदी का दान भी किया जा सकता है, 500,000 रुपए के नोट को छोड़ के सोने चांदी का दान आज आप कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन ब्राह्मणों को सोना चांदी दान करने पर दान किए गए सोने चांदी से 6 गुना सोने चांदी प्राप्त होता है आपको। आज अर्पित जी ने मुझे अगर स्वर्ण का दान किया तो इनको अगले साल 6 गुना ज्यादा प्राप्त होगा। आज के दिन पितरों के शीत निवारण यानी ठंड के लिए ऊनी वस्त्र और कंबलों का दान करो। हल्की हल्की ठंड पड़ने लग गई है, निकलिए आज घर से बाहर, कुछ कंबल खरीदिए और गरीब लोगों को बांट के आइए। घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व में मिट्टी का दीपक आज अवश्य जलाइएगा। इससे हमेशा आपकी जो संतान है वो सुमार्ग पर चलती रहेगी। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। आज के दिन आंवले के फल को घर पे लाना या उसकी पत्तियों को घर पर लाने से घर में धन बढ़ता है, यश बढ़ता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। आंवले के वृक्ष के नीचे ब्रह्मा जी, बीच में भगवान विष्णु और तने में भगवान शिव शंकर निवास करते हैं। इसलिए आज के दिन यदि कुमारी लड़कियां व्रत रखती हैं तो निश्चित तौर पे उन्हें सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। कंपटीशन अगर दे रहे हैं बच्चे तो उनको सक्सेस मिलती है, एजुकेशन प्राप्त होती है। अगर आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस चल रहा हो तो आज के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करना, व्रत रखना पति पत्नी के रिलेशंस के बीच में मिठाई का काम करता है। जिस तरीके से पेड़ में सूत लपेटा जाता है, अपन एक के बाद उसको तने के ऊपर लपेटते जाते हैं, उसी तरीके से हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशंस भी हैं वो एक दूसरे से बंधते चले जाते हैं। आज आंवला नवमी अक्षय नवमी के दिन गऊ का दान करना, जमीन का दान करना, सोने चांदी का दान करना, वस्त्र आभूषण का दान करना निश्चित तौर पर ब्रह्म हत्या जैसे महापाप को भी मिटा देता है। इसीलिए तो इसे धात्री नवमी कहा गया है। जिनकी आंखें कमजोर होती है, नेत्र रोग से जो पीड़ित हैं, वो पैसे सोना चांदी आदि जो है वो दान करें, निश्चित तौर पर नेत्र रोग से मुक्ति मिलती है। अभी तो आपने स्नान कर लिया होगा, शाम को पुनः एक बार स्नान आप कीजिएगा घर जाके, और उस पानी में थोड़ा सा आंवला का चूर्ण, आंवले का रस मिला के फिर स्नान कीजिएगा। निश्चित तौर पर ऐसा करने से आपके आसपास जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी, पॉजिटिविटी आएगी, प्योरिटी आएगी, और उसके पश्चात आंवले के पेड़ और देवी लक्ष्मी का पूजन कीजिएगा तो आपको पुण्य की प्राप्त होगी और साथ में जितने आप जो पाप किए हैं वो सब कटेंगे। तो इस प्रकार आज आंवला नवमी का त्यौहार आप धूमधाम से मनाइएगा। मेरी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से आप